आज जी मैं देशराज जी के साथ हूँ। हाँ जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। देशराज जी यहाँ पर जतोग पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन है। जी सर। है ना। जी सर। तो मैं सोच रहा था कि आजकल तो सब जो है SMS चले जाते हैं, फेस टाइम हो जाता है, लोग बात कर लेते हैं, तो पोस्ट मास्टर का या पोस्टमैन का आजकल क्या इम्पोर्टेंट है जी? सर इम्पोर्टेंट अभी हमारे द्वारा सर घर घर में लोगों को वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन भी दी जाती है सर। अच्छा थोड़ा आगे आइए जी। और इसके साथ साथ सर अभी इससे पहले क्या होता था सर, आधार कार्ड नहीं होते थे। हाँ। पैन कार्ड नहीं होते थे। नहीं होते थे। और ATM कार्ड नहीं होते थे सर। नहीं होते थे। तो आधुनिक युग में सर इसका महत्व बढ़ा है सर, तो आज प्रत्येक परिवार में हर आदमी के पास ATM कार्ड है। हाँ। आधार कार्ड है। हाँ। पैन कार्ड है। हाँ। और ये सारे सर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही आते हैं सर, और हम घर घर में जाते हैं लोगों को जो है इसकी डिलीवरी करवाते हैं सर। देखो आम जनता को ये फीलिंग होती है कि जी पोस्टमैन का काम खत्म हो गया आजकल, मगर आप जो बता रहे हैं तो कह रहे हैं बढ़ गया है। बढ़ा है सर, काम घटा नहीं है बल्कि सर। अच्छा काम बढ़ा है जी। और अभी अभी इसके साथ साथ सर अभी हम लोग जो है गांव में जाकर लोगों को ये क्या नाम कहते हैं सर, अटल पेंशन योजना। अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने जो अटल पेंशन योजना लागू की है सर, उसके बारे में भी लोगों को समझाते हैं, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अच्छा। उसके बारे में भी लोगों को बताते सर, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तीन योजनाएँ सर हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोगों को इसका लाभ पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ सर RPLI है, PLI है सर लाइफ इंश्योरेंस, और RDTD पोस्ट ऑफिस के द्वारा भारत सरकार के द्वारा सर जो भी योजनाएं मतलब समाज के लिए लागू की गई उनको जो हम भले बांटते हैं। आपको तो हर चीज़ का ज्ञान है, तो आपको समझाना पड़ता है सबको ना। जी सर। और हमने किए भी है सर, लोगों को लाभ पहुंचाया, किसी की 10 लाख की पॉलिसी, किसी की 5 लाख की, किसी की 1 लाख की, जैसे जिसकी सर गुंजाइश है। अच्छा मैं ये मेरे लिए तो बड़ी ज्ञान की बातें की आज आपने हैं देशराज जी। तो ये जो सारी जो स्कीम्स वगैरह आई हैं ये किसकी वजह से आई हैं? ये सर अभी देश जो है मतलब आधुनिकीकरण की ओर जा रहा है सर, हमारे देश के यशस्वी और मतलब अच्छे जो प्रधानमंत्री जी है सर, इनके बदौलत से भी, और पूरा देश में जो मतलब भावी लोग हैं।